Welcome to Creepy Corner, your destination for bone-chilling tales of horror. But before we jump into these terrifying encounters, don't forget to hit that subscribe button and turn on the notification bell for more horror videos like these. अगस्त 7, प्यारी अजरा, मेरी प्यारी दोस्त, मेरी साथी और मेरी इकलौती अजीज बहन अजरा, अस्सलाम अलैकुम। आज कई महीनों के बाद तुमसे मुखातिब हूँ। ख़त में मुखातिब लिखना कुछ अजीब सा मालूम होता है, मगर मुझको तो ख़त लिखते हुए ऐसा ही महसूस होता है जैसे मैं तुमसे तुम्हारे सामने बैठकर अपने दिल की तमाम बातें कर रही हूँ, जिस तरह बचपन में करती थी। और वैसे भी अब दुनिया में तुम ही मेरा वाहिद रिश्ता हो। माँ बाप तो कब के साथ छोड़ गए, और अब इरफान भी। यहाँ तक लिखकर इरफान के नाम पर पहुंचकर सबा ने कलम हाथ से रख दिया। इसकी आंखें आंसुओं ने धुंधला दी थी। ख़त पर गिरते इसके आंसुओं ने कई अल्फाज मिटा दिए। इसने ख़त और कलम साइड टेबल पर रख दिए और बिस्तर पर लेट कर छत को घूमने लगी। वो और अजरा अपने वालदेन की दो ही औलादें थीं। अजरा इससे चंद साल बड़ी थी। इन दोनों में बेहद दोस्ती थी और इनको कभी किसी और सहेली की ज़रूरत तक महसूस ना हुई। वो मुतवस्सित तबके के लोग थे और 18 साल के होते ही अजरा की शादी तय कर दी गई और वो ब्याहकर दूसरे शहर चली गई। सबा को उसके जाने के बाद इसकी कमी बेहद गिरा गुजरती। वो कॉलेज तो जाती, मगर घर आने के बाद घर इसको काट खाने को दौड़ता। वो एक एक लम्हे की रुदात अजरा के गोशों गुजार करती थी। वो सिलसिला तो ख़त्म हो गया था, अजरा का ससुराल दूसरे शहर में था। वो मैके बहुत कम कम आती थी। वैसे भी शादी और फिर बच्चों की पैदाइश के बाद उसको तो इतना वक्त ना मिलता कि वो सबा को इतना ज़्यादा याद कर सकती। मगर सबा को तो जैसे अजरा के जाने ने बेकरार कर दिया था। इस मसले का किसी कदर हल इसने निकाल लिया। फ़ोन पर तो इतनी लंबी बातें ना हो सकती थीं। वो अजरा को ख़त लिखने लगी, लंबे लंबे ख़त जिसमें इसकी सुबह उठने से लेकर सोने तक की तमाम मसरूफियात होती थी। अजरा इसके ख़त गौर से पढ़ती थी या नहीं, जवाब इतनी तफसील से देती थी या नहीं, रफ्ता रफ्ता सबा को इस बात से भी कोई मतलब ना रहा। बस उसको तो जैसे नशा सा हो गया था लिखने और लिखते ही चले जाने का। इस तरह कई साल गुजर गए। अजरा के कई बच्चे हो गए। वो मुकम्मल तौर पर अपने शौहर और बच्चों में गुम हो गई। अपनी इकलौती छोटी बहन से इसकी दिलचस्पी बराए नाम रह गई, मगर सबा ने इसको ख़त लिखना ना छोड़ा। ऐसे ही एक दिन सबा के लिए इरफान का रिश्ता आ गया। इरफान एक पढ़ा लिखा और खुशकल लड़का था। कोई ख़ास काम तो करता नहीं था, मगर दुनिया में बिल्कुल अकेला था। सबा के वालदेन को उसकी ये खूबी बहुत पसंद आई, क्योंकि इनका कोई बेटा तो था नहीं। तो बजाय इसके कि सबा शादी होकर उनको अकेला करके चली जाती, इरफान शादी के बाद इनके ही साथ रहने लगा। जिंदगी फिर इसी डगर पर चलने लगी। सबा ने लेटे लेटे गर्दन मोड़ कर साइड टेबल पर रखी इरफान की तस्वीर पर नज़र डाली। इसकी आंखें फिर आंसुओं से भर गई। चंद महीने हुए इरफान इसका साथ छोड़ गया था हमेशा के लिए। पहले माँ बाप दुनिया छोड़ गए और फिर कुछ सालों के बाद इरफान। हालांकि इसकी उम्र कुछ इतनी ज़्यादा ना थी, बमुश्किल 45 या 48 साल। वो 20 सालों से साथ थे। 20 साल पहले इनकी शादी हुई थी, मगर इनकी कोई औलाद ना हो सकी। सबा को बच्चों का बेहद शौक था, मगर इरफान ने कभी किसी ख़ास ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। ना जाने क्यों 20 सालों में सबा को कभी इसका रवैया समझ ना आ सका। अजीब पुरसरार अंदाज रहा इसका हमेशा, ख़ासकर आखिर के 7-8 सालों में। रातों को अक्सर देर से घर आना, अक्सर खाना खाने से इनकार कर देना और फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करना, आहिस्ता आहिस्ता, चुपके चुपके।
सबा को अक्सर शक होता कि कहीं किसी दूसरी औरत का मामला तो नहीं है, मगर वो कभी इरफान से इस मुतालिक बात करने की हिम्मत ना कर सकी, क्योंकि इरफान बहुत बदमिजाज साबित हुआ था, काफ़ी सख्तगीर और बदतमीज़। जब तक सबा के वालदैन हयात थे तब तक तो इसने कुछ भरम कायम रखा, मगर जब वो दुनिया छोड़ गए, खासकर सबा के वालिद, फिर तो उसने वो रंग दिखाए कि बस। मगर इसकी तमाम बदतमीजी के बावजूद सबा इसको बर्दाश्त करने पर मजबूर रही, क्योंकि एक तो वो अकेली थी, ले देकर एक बड़ी बहन थी मगर बहुत दूर, फिर अपने ही घर बार में बुरी तरह उलझी हुई, और सबसे बड़ी बात यह कि वो औलाद से महरूम थी, और इसकी वजह सबा थी। मुख्तलिफ टेस्टों से ये बात साबित थी कि सबा औलाद पैदा करने के काबिल ना थी। शायद यही वजह थी कि इरफान का रवैया दिन ब दिन इससे ख़राब ही होता गया, और आखिर के दिनों में तो इनके दरमियान बातचीत तक ना होने के बराबर रह गई थी। इरफान शादी के बाद शुरू में जो थोड़ा बहुत कारोबार करता था, आहिस्ता इसने वो भी छोड़ दिया। सबा के हाथ पर तो इसने 20 सालों में शायद ही कुछ रखा हो। वो बहुत ही सुस्त था, वो तो ये 2 मंजिला मकान सबा के नाम था। दरअसल नाम तो दोनों बहनों के था, मगर चूंकि अज़रा अपने घर में बहुत खुश थी और इसका शौहर भी बहुत मालदार और अच्छा इंसान था, इसलिए इसने सबा के हालात और इरफान का रवैया देखते हुए अपने हक से दस्तबरदार होकर अपना हिस्सा भी सबा के नाम लगा दिया था। तो इस तरह घर के एक हिस्से में वो और इरफान रहायश पजीर थे, जबकि ऊपर की मंजिल किराए पर उठाई हुई थी, जिसके किराए से इसका और इरफान का आराम से गुजारा हो रहा था। मगर फिर एक दिन अचानक इरफान ये दुनिया छोड़ गया, उसे हार्ट अटैक हुआ था। सबा की तो दुनिया अंधेर हो गई इरफान के जाने के बाद, इसको एहसास हुआ कि वो जैसा भी था कम से कम मौजूद तो था। बेशक इनके दरमियान बातचीत ना होती थी, मगर इसके घर में होने के एहसास से इसको बेखौफ नींद तो आ जाती थी। नींद न जाने क्या कुछ सोचते याद करते आखिरकार इसको नींद ने आ लिया और वो बेखबर सो गई। सुबह वो देर तक पड़ी सोती रही, जल्दी उठकर भी उसने क्या करना था, सारा घर इसको काट खाने को दौड़ता, कोई तन्हाई सी तन्हाई थी। घर के मुख्तलिफ काम निपटाते इसको थोड़ी ही देर लगी, इसको अचानक इस अधूरे खत का ख्याल आया तो वो जल्दी से कलम उठाकर अधूरा खत लेकर बैठ गई, जल्दी जल्दी रात के लिखे पर नज़र दौड़ाई। मेरी प्यारी दोस्त, मेरी साथी, माँ बाप तो कब के साथ छोड़ गए, और अब इरफान, यहाँ तक कि अपने लिखे पर पहुँच कर वो बुरी तरह चौंक गई। उसने नीले बॉल पॉइंट से ख़त लिखा था, अभी भी वहीं पेन थामे मज़ीद लिखने का इरादा करके बैठी थी, मगर इरफान के आगे तेज़ सुर्ख लिखाई से अजीब व गरीब तहरीर लिखी थी। इरफान का यही अंजाम होना था, काश ये काम मेरे हाथ से अंजाम पाता। सबा सकते के आलम में खत थामे बैठी रह गई। इसने दोबारा सह पारा इस तहरीर को पढ़ा, कौन आखिर कौन, घर में तो इसके अलावा कोई था ही नहीं, और फिर ये तहरीर इंसानी तो नहीं लग रही थी। खौफ की एक लहर इसके जिस्म में दौड़ गई, इसने खत के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। अगस्त 20, प्यारी अज़रा, मेरी प्यारी जान से अज़ीज़ बहन, बात सलाम की अर्ज़ है कि अब मैं मुकम्मल ठीक हूँ। पिछले दिनों जिस तरह तुमने पल पल मेरा साथ दिया, दिन रात फ़ोन पर मेरी खैरियत दरियाफ़ करती रही, ऐसा लगता था जैसे तुम मुझसे कोसों दूर नहीं बल्कि मेरे पास हो। मैं रात को बिल्कुल खौफज़दा नहीं होती, नींद तो बेशक मुश्किल से ही आती है मगर आ जाती है। तुम दुरुस्त कहती थी, वो तहरीर मेरी गलतफहमी ही थी, मुसलसल तन्हाई ने मुझे ज़हनी तौर पर उलझा दिया, मगर यह अकेलापन तो अब मेरी किस्मत है। काश खुदा ने मुझे औलाद दी होती तो यह अकेलापन ना होता। तुम्हारी बहन सबा। ख़त मुकम्मल करके इसने कागज़ तय किया और अपनी साइड टेबल पर रख दिया, सुबह पोस्ट कर दूँगी, ये सोचकर उसने आँखें बंद कर ली, मगर नींद कोसों दूर थी। हसब मामूल, सबा तुम्हारा यूं तना रहना मुनासिब नहीं है, अज़रा की आवाज़ इसके कानों में गूंजने लगी।
यह पुरसरार तहरीर महज ज़हनी इख्तरा है, तुम फौरन मेरे पास चली आओ। इस तरह डर डर कर तो तुम सचमुच पागल हो जाओगी। सबा ने करवट बदल ली। अज़रा इसके लिए सचमुच परेशान थी, मगर सबा किसी सूरत इसके घर शिफ्ट नहीं होना चाहती थी। अज़रा के घर में अज़रा और उसके शोहर के अलावा इसके 3 नौजवान बच्चे, सास और 1 अदद देवर भी मौजूद थे। काफी देर इन्हीं सोचों में गुम रहने के बाद न जाने कब नींद ने उसे आ लिया। सुबह अपने मामूल के काम निपटाने के बाद इसको खत का ख्याल आया। लिफाफे में डालने से पहले कुछ सोचकर उसने खत खोला और उस पर नजर दौड़ाने लगी। मगर ये क्या, वो बुरी तरह डर गई। वही सुर्ख लिखाई, वही बड़े बड़े भयानक हरूफ, इसकी लिखी आखिरी लाइन के बाद जहां सबा ने खत खत्म किया था, खुदा ने मुझको औलाद दी होती तो आज ही अकेला बनना होता, इसके आगे लिखा था, खुदा ने औलाद दी है। खौफ से सबा का दिल बैठने लगा। खत इसके हाथ में बुरी तरह लरज रहा था। नहीं, ये ठीक नहीं, ये वहम नहीं हो सकता। वो पागलों की तरह बड़बड़ाने लगी। कुछ बहुत बुरा होने वाला है, बहुत भयानक। सीढ़ियाँ चढ़कर वो अपनी ऊपर की मंजिल पर चली गई जहाँ इसके किराएदार रहते थे। समिया से इसकी अच्छी खासी दोस्ती थी, मगर वो ज़्यादा इसके घर ना जाती क्योंकि इरफान खुद बेशक घर से बाहर रहता था, मगर वो सबा का कहीं आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। बल्कि घर में अगर कोई मिलने वाली आ जाती तो भी इसका मुंह बन जाता था। इसलिए रफ्ता रफ्ता सबा ने कहीं आना जाना बिल्कुल कम कर दिया था। समिया इसको देखकर खुश हो गई। बहुत देर समिया के पास बैठकर सचमुच इसका ध्यान बट गया। कई दिन गुजर गए, इन अजीब व गरीब तहरीरों से सबा का ध्यान हट गया, बल्कि इसने कोशिश करके इनसे अपना ध्यान हटा लिया। मगर फिर एक दिन सुबह से तेज बारिश हो रही थी, बिजली बार बार आ जा रही थी। दिन तो जैसे तैसे गुजर गया, मगर रात होते ही इसका दिल बुरी तरह घबराने लगा। ऊपर से समिया भी अपने मैके गई हुई थी। सबा ने टीवी लगा लिया, मगर अचानक बिजली चली गई। ओ मेरे खुदा, अब क्या करूं, इसको अज़रा का ख्याल आया। लेकिन इसके साथ ही वो पुरसरार तहरीरें याद आ गईं। नहीं नहीं, इसने खत लिखने का इरादा तर्क कर दिया। बादल जोर जोर से गरज रहे थे, बिजली जोर से कड़की तो इसकी नज़र फ्रेम में सजी अपनी और इरफान की तस्वीर पर जम गई। इसने बढ़कर तस्वीर उठा ली, इसकी आंखें आंसुओं से भर गई। कहाँ चले गए हो तुम, वो इरफान की तस्वीर पर हाथ फेरने लगी। ना जाने कैसे थोड़ी देर को वो सब कुछ भूल गई, सब कुछ। बिजली बहुत ज़ोर से कड़की तो जैसे वो दुनिया में वापस लौट आई, और फिर अचानक इसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। इसके हाथ में पकड़ी तस्वीर पर गहरे सुर्ख रंग के छींटे आकर गिरे, ऐन बिजली की आवाज़ के साथ। कौन है, सबा ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। चार्जिंग लाइट की मध्यम रोशनी में कमरा बहुत पुरसरार बल्कि भयानक लग रहा था। हिम्मत करके इसने दोबारा पुकारा, कौन है, आखिर कौन हो तुम। अचानक एक सिसकी कमरे में गूंज गई। सबा को लगा खौफ से इसका दिल फट जाएगा। कमरे की हल्की आसमानी दीवार जो इस वक्त मलगजे अंधेरे में ड्राउनी लग रही थी, इस पर आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज उभरने लगे। सबा ने अपनी चीखें रोकने को दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। सबा, क्या हुआ है तुम्हें, समिया उसे देखकर हैरान रह गई। क्या तबीयत खराब है। कुछ नहीं, सबा ने इससे आंखें चुरा ली। आओ अंदर तो आओ, समिया जैसे सांस रोके वो सारी कहानी सुन रही थी। कई जगह इसकी आंखें हैरत से फैल गई थी। ये तुम कितनी खौफनाक बातें कर रही हो सबा, समिया के मुंह से निकला। अब तुम भी इनको मेरा वहम मत कह देना, इसका एक एक लफ्ज़ बिल्कुल सच है, सबा ने रूखेपन से कहा। तो फिर अब तुमने क्या सोचा है। सोचने समझने की सलाहियत तो जैसे ख़त्म हो गई है, सबा ने जवाब दिया। बहरहाल ये तय है कि अब मैं मज़ीद इस घर में नहीं रह सकती, नहीं तो मैं डर डर कर मर जाऊंगी। किसी रात मेरा भी इरफान की तरह हार्ट फेल हो जाएगा। इरफान के नाम और इसके हार्ट फेल के जिक्र पर जैसे एक लहर दौड़ गई। इसने और समिया ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। सबा, ये सारे वाक़यात इरफान भाई की डेथ के बाद शुरू हुए हैं ना, इससे पहले कभी।
हाँ नहीं कभी नहीं, मैं इसी घर में पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हूँ, यहीं शादी हुई है, कभी किसी पैरानॉर्मल हरकत को महसूस नहीं किया। सबा ने खोए खोए अंदाज में जवाब दिया। सबा, कहीं इन वाक़यात के साथ इरफान भाई का कोई ताल्लुक तो नहीं जुड़ा हुआ? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इस स्टोरी में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।